नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। एनआईए ने अपनी जांच में देवेंदर बम्बीहा गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और संदीप बंदर को लेकर बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि एक गैंगस्टर साल 2010 से हरियाणा के गुरुग्राम की खांडसा मंडी से सब्जी बेचने वालों से हर एक महीने में फिक्स रकम की रंगदारी वसूला करते हैं। पहले ये काम गैंगस्टर सूबे गुजर करता था, लेकिन साल 2016 के बाद कौशल चौधरी, अमित डागर की मदद से रंगदारी वसूलने लगा। रंगदारी को पूरी तरह से संगठित तरीके से वसूला जाना, जिसे बाकायदा राहत सेवा का नाम दिया गया और उसको अमित डागर की पत्नी ट्विंकल कौशिक अपने सहयोगियों के साथ ऑपरेट करती है। एनआईए को जांच के दौरान ये भी मालूम चला है कि गुरुग्राम की खांडसा और दिल्ली की आजादपुर मंडी से कौशल चौधरी, अमित डागर गैंग ट्रक ऑपरेटर से हर महीने 1,25,000 रुपए की रंगदारी वसूलते हैं। यहाँ तक कि जांच के दौरान ये भी मालूम चला है कि जो पॉलीथीन 120 से 130 रुपए किलो बिकती थी, उसको 160 से 179 किलो के रेट पर बेचा जाता था, ताकि एक बड़ा मुनाफा गैंग के मेंबर को दिया जा सके। एनआईए को अपनी जांच में ये भी मालूम चला है कि मंडी के अंदर जो जनरेटर ऑपरेटर का काम करते थे, उनसे भी हर महीने 1,00,000 रुपए की रंगदारी के तौर पर फीस वसूली जाती थी। लहसुन और मशरूम बेचने वाले छोटे विक्रेताओं से भी 5,000 रुपए महीना लिया जाता था। कौशल चौधरी, अमित डागर गैंग मंडी से 25,00,000 रुपए महीने वसूलता था। अगर कोई सब्जी बेचने वाला इनको रंगदारी देने से इनकार कर देता, तो उसके साथ ये मारपीट और उसकी रेहड़ी को तोड़ दिया करते, और यही वजह थी कि कोई भी इनकी शिकायत पुलिस से नहीं करता था। कौशल चौधरी ने अपने डर के इसी कारोबार को दिल्ली की कई सब्जी की मार्केट में फैला दिया था, जिसमें पालम और वसंत कुंज जैसे इलाके में शामिल थे, जिसके बाद ये लोग शराब के ठेकों का भी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे, ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके और उन पैसों से हथियार खरीदे और उन पैसों को खालिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचाएं।